आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो एडवांस्ड इंग्लिश से ही बनते हैं, अर्थात इनको बनाने के लिए कुछ विशेष शब्दों की जरूरत पड़ती है, ये साधारण रूप से नहीं बनते। देखें, कहते कहते मेरा मुंह सूख गया, एडवांस्ड इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, कहते कहते मेरा मुंह सूख गया। I talked and talked till my lips parched. Parched माने सूखना, पार्च माने सूखना, भूनने की अंग्रेजी भी यही आती है। I talked and talked till my lips parched. मेरा कहते कहते मेरा मुंह दुख गया या सूख गया, अंग्रेजी यही बनेगी। He talked and talked till his lips parched. कहते कहते उसका मुंह दुख गया, मुंह सूख गया। He लगा करके सेंटेंस यानी कर्ता बदल बदल के आप बना सकते हैं। She talked and talked till her lips parched. कहते कहते उस महिला का या उस लड़की का मुंह सूख गया। My mother talked and talked till her lips parched. कहते कहते मेरी माँ का मुंह सूख गया। My father talked and talked till his lips parched. His पुरुष के लिए, हर महिला के लिए आएगा। कहते कहते मेरे पिताजी का मुंह दुख गया या सूख गया। The child talked and talked till his lips parched. बच्चे का कहते कहते मुंह सूख गया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। कहने का अर्थ ये है इसका, कहते कहते उसका मुंह दुख गया लेकिन दूसरे ने सुना ही नहीं। कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।